सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके विंडोज 10 पीसी में जो भी ऐप अगर आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो कंट्रोल पैनल में शो नहीं कर रहा है, उसको अनइंस्टॉल करने के लिए, तो उसको कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे पास एक ऐप है SUMO, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऐप है, मैं कभी भी अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल पैनल में शो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कंट्रोल पैनल ओपन करके। जस्ट कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए और अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाइए और अभी मैं उसको सर्च करूँगा दोस्तों, SUMO। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वो ऐप जो है यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहा है। अभी उसको कैसे अनइंस्टॉल करें, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आप उसको जो दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है दोस्तों, सिंपल सा रीज़न ये है। तो ये जो भी ऐसे ऐप्स रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर ही एक फीचर रहता है अनइंस्टॉल का, वहाँ से ही आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी ऐप आपका जो है दोस्तों कंट्रोल पैनल में शो नहीं कर रहा है, विंडोज़ की प्रेस कीजिए, वो ऐप को सर्च कीजिए। जैसे कि मेरा जो ऐप है SUMO वाला जो ऐप है, मैं इसको सर्च किया हूँ और यहाँ पे इसका जो फाइल लोकेशन है दोस्तों, वो आपको ओपन करना है। ओपन फाइल लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनइंस्टॉल SUMO, जस्ट इस पर क्लिक, डबल क्लिक कीजिए, वो यहाँ से ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक इजी और सिंपल मेथड है दोस्तों इसको अनइंस्टॉल करने के लिए। ये वाले जो ऐप है दोस्तों, आपको कंट्रोल पैनल में शो नहीं करेंगे, वो यहाँ से ही जो है दोस्तों अनइंस्टॉल हो जाएंगे। तो जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, अभी आपका जो ऐप है कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। अभी मैं विंडोज़ की प्रेस करूँगा, अभी वो सर्च करूँगा दोस्तों। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं स्टार्ट मेन्यू में कभी भी सर्च कर रहा हूँ, वो ऐप यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम वहाँ पे आपको कोई भी इनबिल्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको अनइंस्टॉल करने के लिए, तो उसको कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। वैसे तो 99% जो है दोस्तों आपको इनबिल्ट फीचर ही मिल जाता है ऐप के अंदर ही अनइंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये नेक्स्ट मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। विंडोज़ की होल्ड कीजिए और R प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप करना है REGEDIT, इस तरीके से टाइप कीजिए और इंटर हिट कीजिए। आपकी जो रजिस्ट्री एडिट है दोस्तों, वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल से एक्सटेंड करना है H की लोकल मशीन और उसके अंदर आपको एक्सटेंड करना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको एक्सटेंड करना है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको एक्सटेंड कीजिए। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़, उसको एक्सटेंड कीजिए। विंडोज़ में दोस्तों आपको एक्सटेंड करना है करंट वर्जन, इसको एक्सटेंड कीजिए। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अनइंस्टॉल, उसको एक्सटेंड करना है। अनइंस्टॉल एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे आपके पीसी में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है दोस्तों, वो सारे ऐप्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। एक एक ऐप पे क्लिक करके उसको फाइंड आउट करना है, जो भी आपका ऐप नेम है। तो आप जस्ट ऐप को सेलेक्ट कीजिए और राइट पैनल में आइए और यहाँ पे इसका डिस्प्ले नेम आप फाइंड आउट कीजिए। अगर आपका वही ऐप है तो उस पर राइट क्लिक कीजिए और जस्ट डिलीट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी जो है दोस्तों, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप इजीली अगर आपका कोई भी ऐप कंट्रोल पैनल में शो नहीं कर रहा है तो ये दो मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ही आपको 100% वर्क कर जाएगा। इन केस अगर वहाँ पे अनइंस्टॉल का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है तो रजिस्ट्री एडिट में जाके उसको डिलीट कीजिए, डेट्स इट। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है आप अपने डॉट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।